राजस्थान में इस समय फोन टैपिंग चर्चा में है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से 25 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 सितंबर के लिए टाल दी। पिछले साल अक्टूबर में क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। अगर एक बार फिर वो अपनी बात दोहराते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से पूछताछ हो सकती है। पॉलिटिक्स में फोन टैपिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है जो चर्चा में आया है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि फोन टैपिंग के दोषी के लिए कानून कितनी सजा का प्रावधान है, वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि फोन टैप हो रहा है। आसान भाषा में समझें तो किसी दो इंसानों के बीच होने वाली बातचीत को बिना किसी उसकी जानकारी के सुनना या फिर बातों को रिकॉर्ड करना फोन टैपिंग कहलाता है। इसे वायर टैपिंग या लाइन वॉगिंग भी कहते हैं। ये फोन को हैक करने का तरीका है। इसके जरिए किसी की कॉल और उस दौरान होने वाली बातचीत को ट्रैक किया जा सकता है। कई ऐसे मामले भी उनके सामने आए हैं जब कैमरे और माइक्रोफोन को भी कंट्रोल किया गया है। देश में ऐसे मामले इंडियन टेलीग्राम एक्ट 1995 के तहत आते हैं, लेकिन साल 2023 में केंद्र की मोदी सरकार टेली कम्युनिकेशन बिल लाई और इसे पारित किया गया। अब नया कानून कहता है कि फोन टैपिंग के मामले में दोषी 3 साल तक जेल हो सकती है और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों लागू किए जा सकते हैं। आपका फोन टैप तो नहीं हो रहा है, ये कैसे समझे, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपका भी फोन टैप हो रहा है तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसे जाना जा सकता है। जैसे किसी से बातचीत के दौरान अजीब सी आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ सामने वाले शख्स की तरफ से नहीं आ रही है तो फोन टैपिंग का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अजीब तरह की बाधा आना भी इसका संकेत होता है। इसके अलावा डाटा का तेजी से खत्म होना और बैटरी का तेजी से गिरता फोन हैकिंग का इशारा है। ऐसे मामले सामने आने पर अलर्ट हो जाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। भारत में फोन टैपिंग अपराध है, हालांकि सरकार के पास इसकी इजाजत देने का अधिकार है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब सार्वजनिक सुरक्षा या देश की संप्रभुता खतरे में हो। देश को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है।